बता दूं, मैं सिविल कोड महाराज का अध्यक्ष हूं, हमीदुल्ला खान एडवोकेट। बार की सामान्य सभा ने, जनरल बॉडी ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि साहब यहां महाराज के जनपद न्यायाधीश सहित तमाम अन्य अधिकारियों की कार्य प्रणाली से अधिवक्तागण बहुत ही मर्माहत से क्षुब्ध थे, जिसको शिकायत करने के लिए कि साहब इसका निराकरण कैसे होगा, इसके लिए एक डेलीगेशन महाराज से गया हुआ था। उस डेलीगेशन में मैं, मेरे साथ पूर्व अध्यक्ष माननीय जितेंद्र सिंह साहब थे, श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव साहब थे और उपाध्यक्ष धनंजय पटेल जी, और पांच लोगों का डिलीशन गया हुआ था। हम लोग पत्र के साथ वहां गए थे। हम लोग का एजेंडा ऐसा है, मुझे मुख्य न्यायमूर्ति महोदय से मिलना था, एजे महोदय से मिलना था। हम लोग की मुलाकात रजिस्ट्रार जनरल साहब के वहां भी नियत थी पहले से, लेकिन मुलाकात हमारी डील हो गई प्रशासन न्यायमूर्ति महोदय से। उन्होंने हम लोग की पूरी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन ये दिया कि हम लोग के संज्ञान में ये है कि महाराजगंज में बहुत कुछ अच्छा न्याय का अधिकार नहीं किया जा रहा है। अन्य स्रोतों से उनको इसकी जानकारी हो चुकी थी, एक बार हम लोग पहले मिल चुके थे। तो उन्होंने पूरा हम लोगों का समय दिया, पूरे प्रपत्र को देखा, हर एक बिंदुओं पर उन्होंने हम लोग समय दिया और वो तत्काल यहाँ की विषम परिस्थिति को देखते हुए तत्काल हमारे पूरे डेलीगेशन को लेकर के मुख्य न्यायमूर्ति वहां से मिलने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन संयोग ये था कि जब उन्होंने टेलीफोन करा, पता चला कि माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, जिसकी वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। तो रजिस्ट्रार के माध्यम, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको एक पत्र दे दिया गया और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों ने एक भी बात गलत नहीं लिखी है। हम लोगों ने ये भी उनसे कहा कि माननीय आप इसको अपने स्तर से भी गोपनीय तरीके से इसका पता करवा लें, पूरे बाहर से बाहर के बाहर भी पता चल जाएगा। तो उन्होंने पूरी तरह से हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग इस प्रकरण से पहले से कुछ हद तक वाकिफ थे। आपने आके यहाँ बताया तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि बार और बेंच में जो अगर किसी तरह गतिरोध आती है तो आपने ये फैसला किया है हम लोगों को अवगत कराने का, ये भी सराहनीय है। और हमें उम्मीद है कि हम लोग माननीय मुख्य न्यायमूर्ति से मिल करके आप लोग समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो अधिकारी पहले से जो अदालतें खाली चल रही हैं उसका भी एक पत्र दिया गया था कि हमारे वहाँ 35 कोर्ट पहले से सैंक्शन हैं, इसके सापेक्ष मात्र 14 न्यायालय कार्य कर रहे हैं बाहरी न्यायालयों को लेकर के। तो एक तो अधिकारियों कमी है, जो अधिकारी हैं मौजूद हैं वो नियमानुसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से उत्पूर्ण कर रखा उन लोगों ने, जिससे हम लोग चुप थे। तो वहाँ आश्वासन उनको ही मिला और हम लोगों ने यहाँ से इन लोगों के जो अधिकारी इस तरह के कार्य गतिविधि शामिल हैं उनका स्थानांतरण की मांग किया हुआ। हमें उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई माननीय द्वारा जरूर की जाएगी। आज आपके न्यायालय से उन लोगों ने, मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत विधिवत हमारे मंत्री जी इस पर व्याख्यान दे सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। आज महाराज का सीमित बात एसोसिएशन से इतने अधिवक्ताओं का निष्कासित हुआ और क्यों हुआ है? मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी, महामंत्री सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन महाराजगंज। हमारे सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के न्यायिक अधिकारी गण के द्वारा किए जा रहे विध विरुद्ध कार्यवाहियों के लिए हमारा डेलीगेशन गया हुआ था माननीय उच्च न्यायालय, जिसके बारे में विस्तार से आपको हमारे अध्यक्ष आदरणीय हमीदुल्ला खान जी ने बताया है। जो निष्कासित सदस्यों की बात है, हमारे सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में कुल 12 अधिवक्तागण, जो संयोग से शासकीय अधिवक्ता भी हैं, जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध ब्रजेंद्र नाथ त्रिपाठी और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री फणिंदर नाथ त्रिपाठी, श्री संतोष कुमार मिश्रा, श्री देवेंद्र पांडे, श्री राघवेंद्र उपाध्याय, श्री चंद्र प्रकाश पटेल, श्री विजय नारायण सिंह, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी, श्री पूर्णेंदु राम त्रिपाठी, श्री अजीत कुमार त्रिपाठी, इन लोगों को बार ने अस्थायी तौर से आजीवन के लिए निरस्त और निष्कासित कर दिया है। और हमारे वहाँ अशोक कुमार त्रिपाठी, जो हमारे वहाँ लीगल एड में काम करते हैं, वह चीफ डिफेंस काउंसिल हैं, उनको भी निष्कासित किया गया है। इन लोगों द्वारा बाधकारियों से तथा अधिवक्ताओं से दबाव बना करके घूस के रूप में मोटी रकम मांगी जाती थी,
अधिवक्ता तो उनको कुछ देते नहीं थे, बाधकारियों को गाली देकर के, धमकी देकर के, डरा के, धमका के कि बड़ा से बड़ा सजा करा देंगे, इतना पैसा दे दो। जब वो लोग ऐसा करने में कासिर रहते थे तो हम लोगों के पास आकर के कहते थे साहब फला वकील साहब सरकारी हलकार हैं कि हम आप लोगों को बड़ी सजा करा देंगे और आप लोग हम लोगों को कुछ पैसा दीजिए तो हम करेंगे। जब इन बातों को लेकर के तो हमारे पास आते थे, हम लोगों ने इस विषय पर सभी सरकारी वकीलों से एक बार अनुरोध भी किया था और ये लोग कहते थे कि हम लोग सरकारी हैं, सारा महकमा हमारे हाथ में और हमारे न्यायिक अधिकारियों से अच्छे संपर्क हैं, हमेशा हम लोग उनके चेंबर में ही रहते हैं, इसलिए हमको इतना पैसा दिलवा दीजिए, हम आपको बड़े से बड़े सजा में बचा देंगे, अथवा हमको पैसा नहीं देंगे तो छोटी से छोटी भी मामला होगा उसमें हम बड़ी से बड़ी सजा करा देंगे। यह लोक विरुद्ध, अधिवक्ता आचरण के विरुद्ध और नैतिकता के विरुद्ध है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें हमारे ये जितने भी शासकीय अधिवक्ता हैं वो संलिप्त पाए गए। हमारे तमाम शासकीय अधिवक्ता नशे के हालत में आकर के हाथ में बोतल के साथ झूमते हुए देखे गए, उनके तमाम चित्र भी मौजूद हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए अधिवक्ता सम्मान को ये लोग निरंतर धूमिल और धूल दूषित कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की आम सभा ने संपूर्ण बहुमत से, जो अधिकार आम सभा को है उससे अधिक बहुमत के साथ इन लोगों को निष्कासित किया गया, क्योंकि उन लोगों का वह आचरण आज और भी निंदनीय हो गया। वो बार सभागार में मीटिंग प्रारंभ होने के दौरान वह आम सभा की मीटिंग के आयोजकों और व्यवस्थापकों के ऊपर हमलावर हो गए, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे, बार की संपदा को क्षत पहुंचाए, रजिस्टरों को फाड़ दिए, बार संपदा के तमाम हमारे जो ये हमारे कुछ निधियां होती हैं वो जमा किए जाते हैं उसमें से दो का बांड भी चुरा ले गए। यह घोर निंदनीय है। इनके इस दुराचरण के लिए सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की आम सभा ने इनको आजीवन के लिए, उपरोक्त जितना नाम मैंने बताया है वो सभी अधिवक्ताओं को सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन से आजीवन के लिए निष्कासित कर दिया गया है। यह उनका पत्रक है, हम आपको सौंप रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।